बीजेपी का मैनिफेस्टो नहीं है, इसको कहिए आप संकल्प पत्र, हम घोषणा पत्र नहीं कहते उसको, घोषणाएं बहुत होती रही हैं देश में, और इस संकल्प में हमने संकल्प लिया है 2022 तक हम सबको, हर बेघर को घर दे देंगे, जिसका कच्चा घर होगा उसको भी हम पक्का घर देंगे, रोटी कपड़ा और मकान में अब हम सबको मकान 2022 तक दे देंगे, ये बहुत बड़ी सपने को सच होने की बात है। पहली बार इस देश में जो गांवों से पलायन हो रहा था, किसानी के प्रति लोगों की रुचि खत्म हो रही थी, उसको रुचिकर बनाने के लिए किसान गांव में काम करें इसके लिए किसानों को पेंशन देने की शुरुआत हो रही, संकल्प हमने लिया है। अब देखिए किसान को भी पेंशन मिलेगा 60 साल के बाद, और व्यापारी को भी पेंशन मिलेगा। अब लोग क्यों नौकरी की तलाश में भटकेंगे, 60 साल के बाद हम पंजीकृत किसान हैं, हम पंजीकृत व्यापारी हैं, हमें पेंशन मिलेगा, और पंजीकृत होते ही जो एग्जैक्ट हमें नंबर है वो पता चल जाएगा कि ये किसान रॉबर्ट बडेरा टाइप का किसान है कि सच में किसान है। अगर सर दिल्ली की बात करें तो जब 2014 में चुनाव हुआ था तो आप चुनाव जीते थे, इस बार आप प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, सातों सीटें आपके पास हैं, इस बार किस तरीके से थे, डबल जिम्मेदारी है? तब इस बार तो मैं सातों सीट पर लड़ रहा हूँ दिल्ली की, जैसे नरेंद्र मोदी जी देश की 543 सीट पर लड़ रहे हैं, वैसे ही हम दिल्ली की सातों सीट पर लड़ रहे हैं मनोज तिवारी। एक आखिरी सवाल सर, कल से पहले चरण का मतदान शुरू हो रहा है, किस तरीके से देखते हैं? मुझे पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में आए थे तो उनसे आस बनी थी, आज 2019 में उनसे विश्वास बनी है, और ये जो आस से विश्वास तक की यात्रा है उसमें लोगों का वोट भी बढ़ेगा। लोग, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, उत्तराखंड गया, महाराष्ट्र गया, मैं देख रहा हूँ लोगों में जो एनर्जी है, नए नए वोटर्स में, बच्चों में, बड़े बुजुर्गों में, इवन समझ लीजिए इस बार तो जिनको हम लोग डरा के रखते थे मोदी आएगा तो मुस्लिम समाज का नुकसान, वो भी अब सोच रहे हैं कि यार 5 साल में मोदी ने तो हमारा नुकसान नहीं किया, फ़ायदा ही किया, मुद्रा लोन दिया, हमारी बहन बेटियों को हक देने की बात कर रहे हैं, वो 3 तलाक का विरोध कर रहे हैं, तो ऐसे में उनका भी वोट मिलने जा रहा है। और मेरा पूरा विश्वास है कल 11 अप्रैल को पूरा देश निकलेगा, चाहे उसको 4 घंटे लाइन में लगे, अपना वोट जरूर कास्ट करेगा, क्योंकि इस समय इस बार सिर्फ भाजपा को नहीं जिताना है, इस बार पूरे देश को जिताना है, और देश का जीतने का मतलब है नरेंद्र मोदी जैसे सच्चे सेवक का जीतना।